हेलो, मैं हूँ मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मेरे साथ आपको लिए चलते हूँ फिर से एक अनोखे सफर पर। जी हाँ बिल्कुल, खाते पीते चलेंगे। हाँ हाँ भाई, घर का भी खाना है और रेसिपी भी बताऊंगी। और हमारी आज की ट्रेन जर्नी होगी इतनी मज़ेदार कि आपको भी हो जाएगा प्यार ट्रेन जर्नी से। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक तो ज़रूर कीजिए। हेलो, मैं हूं मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फिर से निकल पड़ी हूं एक नए सफ़र पर। जी हां, और मैं फिर से निकल गई हूं आपको मेरे साथ साथ सैर कराने के लिए। गर्मी है लेकिन फिर भी घूमने वालों को कौन रोक सकता है। तो इस बार मैं कहां जा रही हूं, पहला क्वेश्चन होगा आपका, बिल्कुल होना ही चाहिए। तो थोड़ा सा क्लू दे दूँ, मैं जा रही हूँ पर्ल सिटी। समझे क्या है पर्ल सिटी? नहीं समझे, अच्छा दूसरा नाम बताती हूँ। मैं जा रही हूँ सिटी ऑफ बिरयानीज। ओहो, जरूर समझ गए होंगे, हैदराबाद। जी हाँ बिल्कुल, तरह तरह की बिरयानी टेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। लेकिन सिर्फ बिरयानी नहीं, और भी बहुत धमाल करेंगे। तो थोड़ी सी जल्दी आ गई हूँ मैं स्टेशन पर, अभी आपसे बातें कर रही हूँ। तो अब चलिए चलते हैं मेन प्लेटफॉर्म पर, वहाँ भी आपसे बातें होंगी। उसके बाद हमारी ट्रेन आएगी, और हमारी ट्रेन है 17:50 पर। अब कौन सी ट्रेन है, कैसे जाएंगे हम, क्या करेंगे, और ट्रेन पर क्या करेंगे, ट्रेन पर मैं आपको रेसिपी भी बताने वाली हूँ। बिल्कुल, अब आप सोचेंगे ट्रेन पर रेसिपी, क्या चूल्हा लेकर जा रही है? वो सब मैं रिवील करूँगी बस थोड़ी देर के बाद। तो चलिए पहले आप प्लेटफॉर्म पर जाती हूँ, वहाँ बैठते हैं, उसके बाद आपसे गपशप होगी। तो ये लीजिए, ये हो रही है भाई हमारी ट्रेन की वेटिंग, क्योंकि ट्रेन अब बस आने ही वाली है। तो बस लीजिए, अनाउंसमेंट हो रहा है। ये लीजिए, ये आ गई है हमारी ट्रेन, और इसी ट्रेन से अब हमें जाना है हैदराबाद। कितनी सारी कहानी सुनाई ना मैंने हैदराबाद के बारे में। जी हाँ, वही हैदराबाद, हम चलेंगे बस इसी ट्रेन पे। तो लीजिए फटाफट चलें भीतर। तो सबसे पहले हो गई बैग्स की एडजस्टमेंट, वो कौन सा बैग कहाँ रहेगा। अब चलो मैं भी चलती हूँ अपने कोच A1 में, और इसके बारे में तो ढेर सारी बातें मैं करने वाली हूँ, बस बने रहिए मेरे साथ। और ये लीजिए, हमारी ट्रेन तो चल भी पड़ी है। जी हाँ, खड़गपुर में रुकती है सिर्फ 5 मिनट। तो अब आ गई हूँ ट्रेन पे, और के मेरे पीछे जो खिड़की आपको दिखाई दे रही है उसमें शाम अभी हुई नहीं है, अभी हो रही है शाम। हल्का सा धुंधल का जो शाम का वो छाया है, ये बहुत अच्छा समय है और अच्छा लग रहा है मुझे तो बहुत। तो अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि दोपहर का जो लंच है वो तो हम घर से ही करके आए हैं। बस अब मुझे चाय पीना है, सचमुच कोई चाय पिला दे, बहुत देर से वेट कर रही हूँ। तो वेंडर कोई घूम भी नहीं रहा है, देखती हूँ वेट करती हूँ कौन आ रहा है। चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर मैं आपको और भी ट्रेन के बारे में बातें बताऊँगी। कब से सोच रही हूँ कि चाय पीऊँ, लेकिन अभी तक चाय नहीं आई है। तो क्यों ना सोचा कि चिप्स इंजॉय कर लिया जाए, तो मैं ये अपने साथ लेकर आई हूँ चिप्स। ट्रेन में अभी तक कोई भी वेंडर नहीं चढ़ा है, और हम जो अभी इस ट्रेन पे चढ़े हैं 5:55 पर, और 7:20 पर इसका टाइम है बालासोर में, की दूरी है, और अभी यहाँ से वो लगभग 100 किलोमीटर दूर है। तो तब तक तो बस ऐसे ही टाइम पास करना है। तो बाहर का नज़ारा मैं क्या दिखाऊँ, अभी अंधकार भी होने जा रहा है और अंधेरा भी हो चुका है बाहर। थोड़ी देर मैंने पहले बाहर दिखाया था कि थोड़ा सा वो जो शाम का धुंधलका होता है वो है, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं है, अंधेरा पूरी तरह से हो चुका है। और जब कल सुबह मैं आपको सचमुच बहुत सारे ट्रेन से सुंदर नज़ारे दिखाऊँगी, लेकिन कल। तो आज मैं क्या करती हूँ, पहले इसे फाड़ती हूँ, इसे इंजॉय करती हूँ। तो ये है, और ये हम मैं जा रही हूँ मोहित के साथ, के साथ ये बच्चों वाली चीज, ये मेरा बच्चा। तो ये चलो चिप्स खाते खाते पूरा इंजॉय करेंगे। अब चिप्स का टेस्ट क्या बताऊँ, चिप्स की तरह लेकिन बहुत बढ़िया है, मज़ेदार।
इस बार मैंने पहली बार ट्रेन में ये वाटर एक्सपीरियंस किया कि हमारे सीटों पर दी गई है। वैसे राजधानी वगैरह में देते हैं, लेकिन ये जो ट्रेन जिसके बारे में मैंने बात की, ये शालीमार सिकंदराबाद फुल एसी एक्सप्रेस, उसमें जब हम आए अपनी सीट पर बैठे तो वाटर सप्लाई किया गया है। तो आज मैं फिर से हूँ बोगी नंबर A1 में। तो पता है आपको कि मेरा जितना भी टूर हुआ है अभी तक, और जब हम टिकट लेते हैं तो पता नहीं क्यों मेरा A1 ही आता है। तो उसके बारे में मुझे कमेंट भी मिल चुके हैं कि मैम आपकी जो वीडियो होती है उसमें जब आप बैठती हैं, जो डिब्बे में बैठती हैं, वो हमेशा A1 होता है। हाँ, पता नहीं क्यों मेरा 3 अभी तक टूर वीडियो आया है। पहले बिहार टूर का वीडियो आया, उसके बाद चेन्नई टूर का वीडियो आया, और ये है हैदराबाद टूर का वीडियो। जैसा मैंने बताया, पर्ल सिटी, बिल्कुल सिटी ऑफ बिरयानीज एंड हाईटेक सिटी ऑल्सो। हैदराबाद मीन्स हाईटेक सिटी। तो वहाँ जाएंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे आपसे। तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें भी मुझे जो बोगी मिली है, मुझे जो डिब्बा मिला है, वो है A1, 2 AC का A1 है। तो अच्छा है, अब ऐसा संजोग ही हुआ है, मैंने जानकर तो किया नहीं है। तो इसका जो इंटीरियर है वो मैं कई बार इस तरह से दिखा चुकी हूँ, लेकिन बाद मैं फिर से आपको इसका इंटीरियर भी दिखा दूँगी, ताकि आपको ये भी पता चले कि भाई ट्रेनें अलग हैं लेकिन उसमें भी A1 में क्या फ़र्क है, वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो चलिए, अब आने वाला है बालासोर, लेकिन बालासोर में मैं आपको क्या दिखा पाऊँगी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। हाँ, प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा मैं आपको सीन, प्लेटफॉर्म का दृश्य ज़रूर दिखा पाऊँगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा दूँ, तो ये लीजिए, ये ऊपर की सीट है जैसा होता है, और ये देखिए, ये ऊपर एक रैक है, ये आईना मैं भी दिख रही हूँ, और ये नीचे, ये 2 सीटें, ये वाली है इस तरफ और ये वाली सीट है इस तरफ। तो ये 2 सीटें हैं, और बाकी तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे, ये देखिए, ये लीजिए, बहुत इंतज़ार के बाद अब चाय आ चुकी है, लेकिन सिर्फ है ये लेमन टी। तो चलिए, इसी से हम अपना काम चलाएंगे आज। थैंक यू। तो ये मैं आपको दिखाऊं कि बहुत इंतज़ार के बाद ये चाय हमें मिली है, और वो है लेमन टी सचमुच। अब देखती हूँ, देखने में तो अच्छी ही दिख रही है, बिल्कुल लाल लाल सी, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट तो ज़रूर आएगा, ऐसा लगेगा कि हाँ चाय पी ली है। बिल्कुल भी चाय मैंने आज शाम को नहीं पी, तो पीती हूँ। अच्छी है, स्वाद बिल्कुल भी अलग है, और वैसे भी दूध की जो चाय होती है वो उसकी बात ही अलग होती है, और इसकी बात अलग है, इसमें अलग टेस्ट है और दूध की चाय में अलग टेस्ट होती है, लेकिन ये भी है मज़ेदार बिल्कुल। समोसे की टोकरी देखिए, देखकर जी हो गया खाने का, तो मैंने भी बोला इन्हें एक प्लेट लगा देने को। तो ये हमारा समोसा आ गया बिल्कुल तैयार। तो ये है देखिए समोसे जो मैंने अभी लिए, और साथ में ये देखिए मुझे मिल गई कुल्हड़ वाली चाय, इसी का तो इंतज़ार था, और अब मज़ा आएगा समोसे के साथ चाय, समोसा, और इसे मैं इंजॉय करती हूँ, देखूँ खाकर कैसा है। ठंडी हो चुकी है बिल्कुल, शायद गर्म होता तो थोड़ा मज़ा आ सकता था, फिर भी चाय के साथ ना से हाँ सही है ना। चलिए अब इसे ख़त्म करते हैं और साथ में चाय की चुस्की लेते हैं, ये मज़ा आने वाला है। और ये है चाय। हाँ, अब रिलैक्स। ये है बालासोर स्टेशन, देखिए बस छोटा सा ही स्टेशन है, और रात अभी ज़्यादा हुई नहीं है, 7:30 हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सुनसान सा हो गया है, ये उड़ीसा में पड़ता है। बस 2 मिनट का स्टॉपेज है, बस गाड़ी अब चलने ही वाली है। तो ये लीजिए, इंतज़ार ख़त्म और ट्रेन हमारी हो गई शुरू। तो नाश्ता हमारा हो गया, और साथ साथ मैंने आपको दिखाया कि बालासोर स्टेशन भी पार हुआ, और अभी जो टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 7:30,
तो 7:30 ही हुआ है अभी, 9:45 पर कटक आने का टाइम है, और कटक जब हम पार करेंगे तब हम खाना खाएंगे बिल्कुल आराम से, और करना ही क्या है यहाँ पे। और खाना मैं बता दूं कि खाना मैं अपने साथ ले कर आई हूँ। हाँ, अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मनीषा मैम हमेशा अपना खाना खुद लेकर चलती है। जी हाँ, तब तक मैं आपको एक चीज जो इस ट्रेन में मैंने देखी है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। पर मैंने एक चीज है वो नोटिस की है, अभी मैं लाइट जलाती हूँ तो आपको दिखाई पड़ेगी। ये देखिए, लाइट तो मैंने जलाई लेकिन लाइट तो बिल्कुल सामने से आ रही, लेकिन देखिए कोशिश कर रही हूँ मैं दिखाने की कि ये जो डॉट डॉट्स आप देख पा रहे हैं, ये डॉट डॉट्स ना सिर्फ डॉट्स नहीं है, हमारे लिए डॉट्स हो सकते हैं लेकिन उन दिव्यांगों के बारे में सोचिए जो देख ना सकते हों। तो अब आप समझ गए होंगे, अंदाज़ा कुछ कुछ लग गया होगा कि ये जो लिपि है यानी ये जो लिखा हुआ है ये है ब्रेल। जी हाँ, ये ब्रेल में लिखा गया है, यानी यहाँ पे जो आप नोटिस में पढ़ पा रहे हैं जो भी, ये यहाँ पे ब्रेल में लिखा गया ताकि वो इस तरह से छू कर यानी टच करके वो पढ़ पाए कि यहाँ पे क्या लिखा है। ये बहुत अच्छी बात है, मैं जब देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सच में उनके लिए भी सोचा गया है। तो चलिए, नाश्ता भी हमारा हो गया, मैंने आपको समोसा दिखाया, समोसा तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हाँ, उसके साथ जो चाय थी वो थोड़ी ठीक थी, तो चाय की चुस्की भी हो गई, अच्छा भी लगा मुझे। तो अब मैं आपको इस ट्रेन के बारे में और कुछ बातें बताती हूँ। ये ट्रेन है शालीमार से सिकंदराबाद तक जाती है, तो इसका नाम ही है शालीमार सिकंदराबाद फुल एसी एक्सप्रेस। फुल एसी मतलब इसमें सारी एसी की बोगियाँ ही हैं, लेकिन इसके साथ और जो एक बात है कि इसमें लिनन नहीं दिया जा रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि रेलवे की तरफ से डिमांड तो आ रही थी कोरोना के बाद कि पेट्रोल वापस चाहिए, पेट्रोल वापस चाहिए, तो उसके लिए रेलवे बात सुन रही है, लेकिन फेज वाई फेज किया जा रहा है। साउथ तक जाने वाली ट्रेनों में कुछ ट्रेनों में दिया जा रहा है, कुछ ट्रेनों में नहीं दिया जा रहा है। यानी कि अगर टोटल बात करें तो 50% ट्रेनों में अभी तक पेट्रोल दिए जा रहे हैं और 50% ट्रेन में पेट्रोल अब नहीं दिए जा रहे हैं। तो आज हम जिस ट्रेन में बैठे हैं ये उन 50% ट्रेनों में आती है जिसमें कि पेट्रोल अभी शुरू नहीं हुए हैं। तो मेरा तो ये सजेशन होगा कि जब भी आप ट्रेन में टिकट करवाएं और आप जाने का अगर प्लान कर रहे हैं तो उस ट्रेन के बारे में जानकारी ले लें। गूगल में एवरीथिंग इज अवेलेबल, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा आपको, ये जानकारी मिल जाएगी आपको कि उस ट्रेन में पेट्रोल दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं। तो हमें पता था तो हम देखिए अपने साथ ये चादरें लेकर चल रहे हैं। मैंने बिहार टूर जब मैं कर रही थी तब मैंने आपको दिखाया था कि हम अपने साथ चादरें लेकर चल रहे हैं, और इस बार भी ऐसा हो रहा है कि हम अपने साथ चादरें लेकर चल रहे हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर की। अब जो है अब लग रहा है कि खाना खाना चाहिए, तो मेरे बेटे ने कहा, मोहित है, जैसा कि मैंने दिखाया आपको, मोहित मेरे साथ चल रहा है, वो कह रहा है मम्मी कटक आने में तो बहुत टाइम लगेगा, चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। तो फटाफट से मैं खाना निकालती हूँ और फिर मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। तो ये मैं लाई हूँ रोटियाँ, और ये काजू बर्फ़ी, और ये मैंने आम भी ले लिया है, और आम को ऑपरेट करने के लिए यानी काटने के लिए मैंने छुरी भी ले ली है। और ये छुरी को तो आप पहचानते ही होंगे, बिल्कुल मेरे व्यूवर ज़रूर जानते हैं, बहुत बार देखा है उन्होंने, कमेंट कीजिए मुझे कहाँ देखा है। और ये है पनीर की सब्ज़ी मैं लेकर आई हूँ, ये देखिए ये है पनीर की सब्ज़ी, ये है बटर पनीर मसाला, मैंने बनाया था घर में ही, दोपहर को ही बना लिया था, और वैसे भी कोई लोड नहीं है क्योंकि एसी में बैठी हूँ तो ख़राब होने का कोई चांस नहीं है। अब मैं रोटियाँ दिखाती हूँ आपको, तो निकाल लेती हूँ अपने लिए। तो ये लीजिए, ये सज गई है हमारी थाली। तो ये है रोटियाँ, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट मेरी रोटियाँ हैं। अगर इस रोटी की रेसिपी आप जानना चाहते हैं तो आपको कमेंट करनी पड़ेगी, तभी मैं रोटी की रेसिपी बताऊँगी। बहुत सॉफ्ट रोटी है, इतने देर के बाद भी खासियत यही है। तो चलिए, यहाँ पनीर की सब्ज़ी रख रही हूँ, और मोहित भी खाएगा फिर वो आपको बताएगा कैसी बनी है। तो ये लीजिए, ये मैं आम भी काट कर रख ले रही हूँ, और ये देखिए वाह, है ना, ट्रेन में आम खाने का मज़ा बिल्कुल घर ही बना दिया ना मैंने, रोटी सब्जी आम काजू कतली और क्या चाहिए। तो ये लीजिए, ये है मेरी पूरी थाली है तैयार, ये है रोटी और पनीर की सब्जी, इसे मैं एंजॉय करती हूँ। पनीर की सब्जी तो रियली बहुत अच्छी बनी, मोहित कैसा बनाया? अच्छा बना, काफी अच्छा बना।
सॉफ्ट है ना, बिल्कुल। और ये रेसिपी आप मेरे चैनल पर ले सकते हैं। और रोटी के बारे में बताया नहीं मैंने, मैंने रोटी में ना थोड़ी सी घी लगा दी, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगाना, और बिल्कुल हल्का सा घी लगा दें। सफ़र में ना उस रोटी का आनंद ही अलग होता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टी लगती है। जैसे अभी मैं घी लगी रोटी खा रही हूँ पनीर की सब्ज़ी के साथ, और ये काजू कतली, इसका टेस्ट तो बताना ही क्या, लेकिन फिर भी काजू कतली है, मज़ेदार तो होगी ही। और गर्मियों का राजा, आज का स्टार, ये है आम। तो चलिए अब खाना ख़त्म करते हैं, अब फिर हम आपको ज्वाइन करते हैं। तो चलिए खाना तो हमारा हो गया, और खाना कितना लग्जूरियस था, कितना मज़ा आया, क्या बताऊँ आपको, बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी ट्रेन में ना जब घर का खाना खाओ ना तो उसकी बात ही अलग होती है। अब मैंने आपको दिखाया कि मैंने अपना बिस्तर भी लगा लिया है, तो अच्छा है कि मैं सो ही जाऊं, क्योंकि बाहर का नज़ारा मैं आपको अभी कुछ दिखा नहीं सकती, बिल्कुल रात है। सो जाती हूं और आपको कह देती हूं बाय बाय, अब मिलूंगी मॉर्निंग में। विशाखापट्टनम तो 5 बजे आ जाएगा, लेकिन उसके बाद 8 बजे राजमंड्री आने का टाइम है, वहां पर मैं आपको पक्का मिलूंगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सुबह हो गई है, एकदम मज़ेदार वाली सुबह, अच्छी नींद आई। हमने ऑर्डर कर दिया है चाय, और हमारी आ गई है चाय। चाय की चुस्की के साथ ही आपको फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। और एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ जो स्टेशन्स है ना, बहुत दूर दूर स्टॉपेज बहुत, एक्चुअली लंबी दूरी की ट्रेन है, स्टॉपेज बहुत कम है, और 5:30 यानी कि 5:30 पर ही विशाखापट्टनम स्टेशन पार हो चुका है। मैं बिल्कुल दिखा नहीं सकी, मैं बिल्कुल सोई थी। और अभी जो टाइम हो रहे हैं वो मैं दिखाऊं, अभी हो रहे हैं 7:20, और टाइमिंग दिखाया जा रहा है कि संबलकोट स्टेशन जो आने वाला है वो है 8 बजे, और उसके बाद 8:30 आएगा राजमंड्री। यहाँ भी मैं आपको गोदावरी का महत्व बताऊँगी, गोदावरी नदी के बारे में भी बताऊँगी, और पहले मैं चाय ख़त्म कर लूँ। अभी राजमंड्री आने में भी बहुत टाइम बाकी है, और राजमंड्री आएगा 8:30, और उसके बाद जो स्टेशन आने वाला है वो है 12 बजे, यानी वो है रायनपाडु, और उसके बाद 2 बजे हम होंगे वारंगल में, और उसके बाद सीधा 6 बजे होगा सिकंदराबाद। तो आप सोचिए कि कितनी लंबी दूरी की ट्रेन है और कितने कम स्टॉपेज हैं, बहुत कम, और स्पीड भी अच्छी है। तो अब हम श्यामलकोट पार हो चुके हैं, और टाइम हो रहा है अभी तो 8:10 बाकी हैं, और 8:30 आने वाला है राजमंड्री। तो सोचा थोड़ा टाइम है हमारे पास, तो क्यों ना नाश्ते का काम फिनिश कर लिया जाए। और आज ट्रेन में मेरा नाश्ता होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास, बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि मैं ट्रेन से आज कुछ नहीं खाने वाली हूँ। खाऊंगी दोपहर का खाना, मील्स जो होगा वो ऑर्डर करूंगी, लेकिन ये नाश्ता मैं आज फिर से आपको बता रही हूँ, मैं घर से टिफ़िन कैरी करके लेके आई हूँ। क्या है, बहुत ही मज़ेदार है, और फुल रेसिपी के साथ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। हमारा पूरा प्लेटर है तैयार, बिल्कुल रात की तरह। फिर से बताऊँ, ये है काजू कतली, और ये है जो मिस्ट्री मैं अभी रिवील करने वाली हूँ, विथ रेसिपी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और ये तो आम, जैसा कि पता है मैं घर से ही लेकर आ गई थी, और साथ में दही है, तो समझ लीजिए दही के साथ खाने वाली कोई चीज़ है। तो चलिए अब फटाफट से इस पैकेट को खोलती हूँ। ये पैकेट खुल रहा है, देखिए आप क्या है, ये देखिए, ये है हमारा
बिहारी स्पेशल सत्तू का पराठा। और इसकी खासियत, ये कल बनी है लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुई है, बिल्कुल भी चूई नहीं होगी। मैं आपको दिखाऊंगी भी बिल्कुल अभी। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा पराठा है और अंदर क्या है मैं दिखाती हूँ। पहले दो मैं अपने प्लेट पर निकाल लूँ। ये लीजिए, तो पहले पराठे को दिखा दूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी रेसिपी भी दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है हमारा पराठा, ये पराठा है। और नीचे देखिए अंदर, ये सत्तू की स्टफिंग है। ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये सत्तू की स्टफिंग है, ये सत्तू। अब आप इसकी रेसिपी देखिए, उसके बाद हम लोग नाश्ता एंजॉय करेंगे। सत्तू पराठा के लिए हम सबसे पहले उसकी स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है बड़ा सा बोल, उसमें डाला है 1 कप सत्तू और उसमें 2 बड़ा चम्मच कच्चा सरसों का तेल, जी हाँ बिल्कुल कच्चा। और ये है काला जीरा 1/2 चम्मच और यह है अजवाइन 1/2 चम्मच। उसके बाद ये लहसुन, मिर्च और अदरक का पेस्ट है, ये है 1 बड़ा चम्मच और बारीक कटी हरी मिर्च है, ये डाल देना है। और 1 पूरा नींबू, यानी 1 कप में 1 पूरा नींबू निचोड़ कर उसमें डाल देना है। और ये है नमक, और इसे अच्छी तरह से मिलाना है। इसमें कई लोग प्याज भी डालते हैं, लेकिन अगर 1-2 दिन इसे रखना है तो प्याज को अवॉइड करेंगे, और अगर आपको तुरंत खाना है तो प्याज आप डाल सकती हैं। तो ये लीजिए, हमारा स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। और पराठे के लिए जो आटा होगा, जो कवरिंग होगी, वो मैंने आटा रोटी से 1 स्टेप लूज थोड़ा सा इसे गूंधा है। इससे क्या होगा ना कि पराठे बिल्कुल भी सॉफ्ट रहेंगे, बने हुए बिल्कुल हार्ड नहीं होंगे। तो मैंने आटे का एक गोला लिया और उसे हाथों से देखिए कटोरी की तरह शेप दे रही हूँ। बिल्कुल मेरे हाथों को ध्यान से देखिए, उसे कटोरी का शेप देकर उसमें 1 से 1.5 चम्मच, 1 से 1.5 बड़े चम्मच सत्तू की जो स्टफिंग बनाई है वो डालकर और किनारों से मोड़ते हुए उसे बीच में इकट्ठा कर रही हूँ और उसे इस तरह से बंद कर दिया, ये लीजिए। और उसे अच्छी तरह से दबा कर, ये देखिए बिल्कुल दबा कर, 1-1 पेड़ा करके इसी तरह तैयार कर लूँगी। ये देखिए, इसी तरह से मैंने 2-3 और पेड़े बना कर रख लिए हैं, ये पराठे के पेड़े यानी स्टफिंग वाले पेड़े। अब इसे हमें बेलना है, बिल्कुल आसान है, रोटी की तरह आटा, सूखा आटा लगाकर इसे बेल लें। ये लीजिए, ये बेल लिया है। उसके बाद गर्मा गर्म तवे पे इसे डालें, घी या तेल जो भी मर्जी हो वो लगाकर दोनों तरफ अच्छी तरह से हमें सेक लेना है। तो ये देखिए, पहले थोड़ा सा यूँ ही सेक लिया, उसके बाद इसमें लगा दे रही हूँ तेल। आप घी यूज़ कर सकते हैं, बटर यूज़ कर सकते हैं, जो भी तरह का फैट आप खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बस इसे सेकना है बिल्कुल अच्छी तरह, क्योंकि जो कवरिंग होती है ना थोड़ी सी मोटी हो जाती है, तो उसे अच्छी तरह से सेक लेना है। ये लीजिए, हमारा पराठा बिल्कुल बनकर है तैयार। इसी तरह से मैंने, देखिए मुझे पैकिंग करनी है, तो मैंने 6 से 7 पराठे अपने लिए बना लिए हैं। इस सत्तू को पराठे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ना बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो होता है आम। हमारे यहाँ अगर सत्तू के पराठे आम के साथ मिल जाए ना तो क्या कहने, सचमुच क्या कहने। और ये जो पराठा होता है ना, इसके बारे में मैं बताऊँ कि ये जो लिट्टी होती है ना, हम लोग जो बिहार में लिट्टी बहुत फेमस है, लिट्टी की रेसिपी भी मैं बता कर रखी हूँ, बिल्कुल उसी तरह का होता है। उस छुरी तो मैं लेकर ही आई हूँ, मैंने बताया आपको। ये ट्रेन पर आम, वाह मज़ेदार, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज तो नाश्ते का। दोपहर को हम खाना ऑर्डर करेंगे, लेकिन बस नाश्ते तक जहाँ तक हो पाए वहाँ तक घर का खाना एंजॉय कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद तो हम बाहर निकले हैं। तो मैं जैसा कि बता रही थी कि फिर उसके बाद तो फिर हमें बाहर का ही खाते रहना है। और ये देखिए, ये हम अपने साथ दही भी कैरी कर रही हूँ। तो ये लीजिए, दही को भी फाड़ती हूँ और मैस ना हो बिल्कुल इसी, मैं देखिए इस तरह से सीजर्स भी अपने साथ लेकर ही आई हूँ, कैरी कर रही हूँ ये सीजर्स। छोटी मोटी चीज़ें मैं लेकर चलती हूँ सफ़र में, ऐसा नहीं है। ये मैंने निकाल लिया है दही, चलिए बाकी हम बाद में। और इसे रखने का तरीका है ऐसे करके, आप ये रबर लगा दें इसमें। और दही में डालने के लिए ये लेकर आई हूँ, ये ब्लैक सॉल्ट है, ये थोड़ा सा डाल दूँ ऊपर। और सत्तू का पराठा मेरे बेटे को पसंद है सॉस के साथ, ये यस, दिस इज नाउ द कम्प्लीट प्लेटर। और मेरा जुगाड़, मेरे जुगाड़ के साथ ये हमारे नाश्ते का कम्प्लीट प्लेटर। आ रहा है ना मज़ा, वाह। तो चलिए, अब अपना नाश्ता इंजॉय कर रही हूँ। ये लिया सत्तू का पराठा, बहुत ही मज़ेदार होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, हम सभी बिहारियों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। साथ में लगाइए दही,
और उसके साथ एकदम होम सिक, आई एम फीलिंग नाउ होम सिक, ऐसा लग रहा है जैसे घर पे ही हूँ। और बिल्कुल सत्तू के पराठे और दही इंजॉय कर रही हूँ। हम लोग इसे आम के साथ बहुत इंजॉय करते हैं, तो मैं आम भी इंजॉय कर रही हूँ। अब ये नाश्ता पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद मैं आपको राजमंड्री में ज्वाइन करूँगी, राजमंड्री दिखाऊँगी भी। अभी बिल्कुल राजमंड्री स्टेशन घुसने वाले हैं, तो मैंने अभी आपको दिखाया, बिल्कुल राजमंड्री स्टेशन हम लोग घुसने ही वाले हैं। तो राजमंड्री स्टेशन जब आता है तो फिर मैं आपको वहाँ का सीन भी दिखाती हूँ। तब तक आप बाहर के नज़ारे एंजॉय करिए, जैसे कि मैं एंजॉय कर रही हूँ। सच में बहुत मज़ा आ रहा है, सचमुच। मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, ये है राजमंड्री स्टेशन। और राजमंड्री स्टेशन के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि इसका नाम जो है, स्टेशन का नाम वो राजा महेंद्र वरण के नाम से पड़ा है। और ये बिल्कुल जो गोदावरी नदी है, यानी दक्षिण की गंगा जिसे कहते हैं, उसके बिल्कुल पास में है। तो वो दृश्य भी मैं आपको दिखाऊँगी। ज़बरदस्त 4 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। तो अभी मैं स्टेशन पर ही हूँ, आप स्टेशन के नज़ारे लीजिए, उसके बाद मैं आपको ब्रिज भी दिखाऊँगी। तो ये लीजिए, अब हमारी ट्रेन निकल पड़ी है उस अद्भुत नज़ारे का अवलोकन करने के लिए जिसका मैं इंतज़ार कर रही हूँ। जी हाँ, गोदावरी पर ब्रिज, यानी गोदावरी नदी के ऊपर जो ब्रिज है, वो विशाल काय ब्रिज, और वो भी 4 किलोमीटर लंबा। सिर्फ 4 किलोमीटर ही नहीं, साथ में 100 मीटर और भी है, यानी 4100 यानी 4100 मीटर लंबा ये ब्रिज है, बहुत लंबा। और सामने देखिए एक दूसरा ब्रिज भी दिखाई दे रहा है, वाह ज़बरदस्त नज़ारा है। इसी का तो मैं इंतज़ार करती हूँ इस रूट पर हमेशा। और ये वीडियो मैंने चेन्नई रूट वाली वीडियो में भी डाल रखी है, वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। तो आपने ब्रिज भी अब देख लिया, नाश्ता भी हमने कर लिया, और इसके बाद का जो स्टेशन है वो है रायनपाडू, और वो आएगा लगभग 12 बजे। तो अभी बज रहे हैं 9:30, यानी कि 2.5 घंटे हैं हमारे पास आराम से बैठकर बातें करने के लिए, या सोने के लिए, या जो कहे, यानी अभी बस हमें टाइम स्पेंड करना है। तो मैं राजमंड्री के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि मैं कई बार इस स्टेशन से क्रॉस कर चुकी हूँ, लेकिन सचमुच अब तक राजमंड्री जाने का मौका नहीं मिला है। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही साफ़ सुथरी और बिल्कुल सात्विक टाइप से जगह है, क्योंकि वहाँ पर बाबा भोलेनाथ की भी वो नगरी है। और जैसे काशी विश्वनाथ का हमारे वहाँ पर महत्व है, उसी तरह से यहाँ पर गंगा के किनारे, यानी दक्षिण के गंगा यानी गोदावरी के किनारे, जब घंटी बजती है शंकर भगवान के मंदिरों की, तो वाह उस समय जो नज़ारा होता है ना, वो देखने को मैं बहुत आतुर हूँ। तो राजमंड्री मैं इतनी बार क्रॉस कर चुकी हूँ, अब तो जाऊँगी ज़रूर, और जाऊँगी तो ऑफकोर्स उसका वीडियो तो आपको दिखाने ही वाली हूँ। तो बस अब बाहर के नज़ारों को देखते हुए 3 घंटे का समय गुजारते हैं। तो दोस्तों,
तो बहुत समय हो गया हमें ट्रेन में बैठे बैठे, बहुत आराम कर लिए, बाहर के सीन्स भी बहुत देख लिए। तो अब 2 बजने वाले हैं तो सोचा क्यों ना खाना खा लिया जाए। और खाना के बारे में मैं बताऊं, इस ट्रेन में पैंट्री नहीं है। तो अगर आप इस ट्रेन से आते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि पैंट्री नहीं है। हाँ, खाना पूछने आते हैं और वो बाहर से जो खाना है यहाँ पर सप्लाई की जाती है, तो बाहर सप्लाई की जाती है। खाना हमारा आ चुका है तो चलिए अब फटाफट से खाना खाते हैं, उसके बाद वारंगल में दिखाऊंगी। वारंगल आने वाला है लगभग 2:45 बजे और उसके बाद जो है सीधा आएगा सिकंदराबाद। तो ये है हमारा खाना, ये देखिए हमने एक करी, मैंने कहा और मैंने ऑर्डर की है एक करी, ये पिकल दी गई है और ये देखिए ये लौकी की सब्ज़ी की तरह कोई सब्ज़ी दी गई है और साथ में ये है सांभर, साथ में है एक रोटी और ये है चावल। चावल की क्वांटिटी में दिखाऊँ रोटी को हटाकर, ये रोटी को हटाकर मैं चावल की क्वांटिटी दिखा रही हूँ। हाँ, एक के लिए इनफ है, ठीक है। तो चलिए अब फटाफट से खाना शुरू करती हूँ। अच्छा लगा, सांभर का स्वाद भी अच्छा है और एक करी की ग्रेवी भी ठीक है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छी तो नहीं है, ठीक ठाक। अब मैं रोटी देखती हूँ कैसा है। रोटी सॉफ्ट है, लौकी की सब्ज़ी भी बिल्कुल ठीक ठाक है, खा सकते हैं। बहुत जो डिलीशियस कहेंगे, बहुत टेस्टी वैसा खाना नहीं है, लेकिन ठीक ठाक खाना है। और साथ में मैं जो दही लेकर आई थी, सोचा उसे भी क्यों ना एंजॉय कर लिया जाए, तो दही को भी मैं इसके साथ ही ख़त्म कर ले रही हूँ। तो चलिए अब हम अपना पूरा खाना फिनिश करते हैं और फिर मैं आपको खाने के बाद ज्वाइन करती हूँ। अभी हम लोग वारंगल स्टेशन पर रुके हुए हैं, यानी कि वारंगल स्टेशन पर हमारी गाड़ी खड़ी है और इसका जो रीज़न है कि इस ट्रेन का एसी सेक्शन पूरा ख़राब हो गया है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि पूरी की पूरी गाड़ी ही एसी गाड़ी है, तब आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी हो रही होगी। भीतर बिल्कुल घुटन सी महसूस हो रही है डीटी को बोलने के बाद और बहुत सारे लोगों को कहने के बाद, सिर्फ एक सेक्शन एसी का ऑन हुआ है और बहुत गर्मी लग रही है एसी के अंदर, बहुत गर्मी लग रही है। और ये बात सिर्फ एक सेक्शन का नहीं, यानी कि फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी के इसमें 15 बोगियां हैं, सब में हालत ख़राब है। और तो ये इस हिसाब से इस बार की मेरी जर्नी हुई, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक भी रहा। और है कि मेंटेनेंस की बहुत कमी है इस ट्रेन में, जैसा मैंने इस बार देखा बहुत परेशानी हुई। एक तो इसमें पैंट्री नहीं था, मैंने कई फैमिलीज़ को देखे जो कि बच्चों के लिए गर्म पानी खोज रहे थे, उन्हें गर्म पानी तक नहीं मिला। स्टेशन के जो स्टॉपेज है वो भी बहुत कम है कि आप स्टेशन से भी उतरकर कुछ अपना काम पर्सनल नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से मुझे लगा कि इस ट्रेन में कुछ सुधार की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो एसी है वो मेंटेनेंस किया जा रहा है और इस वजह से हमारी गाड़ी को वारंगल में 5 मिनट जो स्टॉपेज है उसके बदले 15 से 20 मिनट तक रोका गया है। तो अब लग रहा है कि सिग्नल हो गया है और हमारी गाड़ी अब चलने ही वाली है। ये वारंगल से हमारी गाड़ी चल पड़ी है, फिर भी मैं रेलवे से रिक्वेस्ट करूंगी इस तरह की चीज़ों पर बिल्कुल जल्दी से और तुरंत प्रॉम्प्टली ध्यान दिया जाए ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो। तो वारंगल से हम निकल पड़े और वारंगल के बाद अब जो स्टॉपेज है वो है सीधा सिकंदराबाद, यानी कि हम अपनी जर्नी के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और अब मैं आपको मिलती हूँ सीधा सिकंदराबाद में। तो देखिए, देखते देखते 1460 किलोमीटर हमने दूरी तय कर ली,
कि थोड़े से खट्टे मीठे एक्सपीरियंस के साथ में मज़ा तो बहुत आया। ट्रेन जर्नी वैसे ही मुझे पसंद बहुत है और शाम के अभी 5:30 बज रहे हैं और सिर्फ 10 मिनट बाकी है हमें उतरने में। जो भी लेट था वो ट्रेन ने मेकअप कर लिया है, अब तो बिफोर ही जा रही है। तो चलिए बाकी बातें अब उतर कर होंगी। तो आफ्टर ऑल पहुंच गए हम सिकंदराबाद। तो अब आप कहेंगे, आपने कहा कि हैदराबाद का टूर हो रहा है तो सिकंदराबाद क्यों? जी हाँ, हैदराबाद और सिकंदराबाद है ट्विन सिटी। जैसे हमारे यहाँ है ना, हावड़ा बोलने से कलकत्ता समझते हैं, कलकत्ता बोलने से हावड़ा, यानी हावड़ा और कलकत्ता जैसे ट्विन, वैसे यहाँ पर है सिकंदराबाद और हैदराबाद, दोनों है ट्विन सिटी। तो अब आप मेरे साथ कल से बने रहिए। एक्चुअली क्या है ना कि कल का प्रोग्राम तो हमारा फिक्स है कि कल हम जा रहे हैं रामोजी फिल्म सिटी, लेकिन कल के बाद का कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं। जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मैं दिखाती जाऊंगी। तो अब आप मुझे कमेंट करना शुरू कीजिए कि आपको मेरी आज की पूरी ये जर्नी कैसी लगी, मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइए, और चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपने कल के एपिसोड में, जो कि मैंने बता दिया है कि हम जाने रामोजी फिल्म सिटी, बहुत ही ज़्यादा धमाल होने वाला है। तो कल तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे। तो ये अब मैं आ गई हूँ फॉरेन, जहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा पासपोर्ट किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।